नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूट्यूबर। स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। और आज मैं वीडियो शूट करने वाला हूँ चेन की क्लीनिंग का। काफ़ी सारे लोग परेशान रहते हैं कि चेन की क्लीनिंग कैसे करें, चेन निकाल करके बाहर क्लीन करें या फिर चेन लगे लगे क्लीन करें, किस चीज़ से क्लीन करें, पेट्रोल से करें, डीजल से करें, मिट्टी के तेल से करें या फिर जो चेन क्लीनर रहते हैं उससे साफ़ करें। तो मैं सबसे बेस्ट ऑप्शन जो आप लोगों को सजेस्ट करूँगा वो है कि आप डीजल से साफ़ कर सकते हैं इसको, और डीजल से कोई भी इशू नहीं आता। पेट्रोल से थोड़े बहुत इशू हैं जो मैंने सुने हैं, मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड अंकुश भाई हैं वो बताते हैं कि पेट्रोल से साफ़ करने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, ओवरिंग कट जाते हैं। तो उनका चैनल भी ऊपर यहाँ कहीं आई बटन में आ रहा होगा, आप जा कर के देख सकते हो। आप पेट्रोल के साथ केरोसिन मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको डीजल नहीं मिल रहा है तो। और अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। और पहले तो आप देख लो चेन की हालत क्या है। तो ये चेन इस वक्त देख रहे हैं आप, काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रखी है। तो इसको साफ़ करने के लिए हम लोग लाए हैं ये डीजल, और इसको भी साफ़ करने में हेल्प कर रहे हैं हर्षित भाई। और ये फिर से शशांक जिसकी गाड़ी है, ये कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली उसमें ऐसी शो ऑफ कर रहा है, कुछ नहीं करना है इसको। नहीं, रस साफ की है इसमें थोड़ी सी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे साफ़ होता है, साफ होगा नहीं होगा। तो गाड़ी स्टार्ट करके पूरी चेन को एक बार आप डीजल से ल्यूब कर दें और इसको थोड़ी देर ऐसे भीगने दें। जैसा कि आप देख रहे हैं ये नीचे थोड़ी थोड़ी गंदगी निकल रही है, आगे के इस पॉकेट एरिया पे भी आप अच्छे से इसको डाल दें, क्योंकि तो इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा गंदगी जमा हो जाती है जो भी हम लोग चेन ल्यूब लगाते हैं, वो तो आकर के बेसिकली यहीं पे रुकती है। ये सारी गंदगी है जो यहाँ पे आके रुक जाती है, तो इसको अच्छे से साफ़ कर लें। और अभी धीरे धीरे गंदगी निकलना शुरू हो गई है जो ये नीचे टपक रही है, इसको थोड़ी देर ऐसे ही भिगो दें और उसके बाद में एक ब्रश ले करके इसको साफ़ करें। तो अभी देखिए चेन धीरे धीरे साफ़ हो रही है, ब्रश से रगड़ करके पूरा एरिया साफ़ किया जा रहा है। और हर्षित भाई ने अपना DIY तरीका निकाल लिया है, दोनों तरफ से चेन साफ़ हो रही है। अगर आपके पास चेन साफ़ करने के लिए जो एक अलग से ब्रश आता है वो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे साफ़ कर सकते हैं उसको हाथ बचा करके। हाँ, क्योंकि तो मैंने अभी कुछ ही दिन पहले एक ग्रुप में देखा था उस बंदे की उंगलियाँ कट गई थी। जहाँ पे ब्रश है वहाँ पर मारो। देखिए बहुत ही ज़्यादा प्यार से जो है पूरी चेन साफ हो गई है और ये नीचे पूरी सब गंदगी निकल रही है। अभी दोनों साइड पे तो चेन साफ हो गई है, अभी ऊपर नीचे का भी साफ करेंगे अच्छे से। आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप चेन साफ़ करें तो आपकी उंगली किसी भी तरीके से इसमें नहीं आनी चाहिए, हाथ को टाइट रखना है एकदम। काफ़ी ज़्यादा इसमें चोट लग सकती है अगर आपका कहीं भी इसमें हाथ टच होता है या फंस जाता है।
से धीरे धीरे टपक रही है और अभी हम लोग यहाँ से इसको क्लीन कर रहे हैं। ये अंदर की साइड में क्लीन हो रहा है। चेन क्लीन हो चुकी है और ये जो नीचे आप ये पूरा सब गंदा पानी देख रहे हैं, ये चेन से निकली हुई गंदगी है। काफ़ी ज़्यादा गंदी थी इसकी चेन। तो चेन को डीजल से क्लीन करने के बाद एक बार सूखे कपड़े से, थोड़ा साफ़ कपड़े से इसको साफ़ कर दें। और अगर आपको अभी भी लग रहा हो कि चेन अभी थोड़ी गंदी है तो एक बार फिर से आप ये प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं। हालांकि अभी तो लग रहा है कि चेन क्लीन हो चुकी है पूरी तरीके से। तो इस तरीके से पूरी चेन आप जो है एक बार साफ़ करके पूरा सुखा दें और इसके बाद में इस एरिया पे आए तब इसे साफ़ करें। इस एरिया को सबसे लास्ट में साफ़ किया जाए। अभी ये चेन हो गई है पूरी तरीके से क्लीन सब जगह से और फ्रंट इस पॉकेट पे भी थोड़ा सा डीजल डाल करके स्प्रे कर दिया है। और यहाँ पे जो ये नीचे वाला एरिया रहता है ये जो नीचे वाला एरिया रहता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंदगी आप देख रहे हैं, तो ये अभी साफ़ करते हैं। तो इस एरिया को साफ़ करने के लिए पहले डीजल से इसको साफ़ कर दें और ढंग से ऊपर से स्प्रे कर दें, क्योंकि यहाँ फ्रंट इस पॉकेट में काफ़ी ज़्यादा गंदगी रह जाती है जो कि साफ़ नहीं हो पाती है। यहाँ नीचे आप देख रहे हैं सब गंदगी निकल रही है। में काफ़ी ज़्यादा गंदगी रहती है। तो ये एरिया पे डीजल डाल करके हम लोगों ने थोड़ी देर छोड़ दिया था और ब्रश से रगड़ दिया है और अब दोबारा से जब डीजल डालेंगे तो वो सारी गंदगी जो भी है सब देखिए निकल करके नीचे गिर रही है। और ये बॉटल में मैं लगभग 40 रुपए का डीज़ल लाया था और पूरा का पूरा ऑलमोस्ट उन्होंने ख़त्म कर दिया है। अभी देखिए ये पूरा एरिया एकदम साफ़ हो चुका है। तो अच्छा है, अगर साफ़ सुथरा रखेंगे तो सब कुछ बहुत बढ़िया चलेगा। और हाँ, जिन लोगों की गाड़ी में रस्ट वगैरह का दिक्कत आ रहा है तो वो भी एक बार डीजल वॉश करा सकते हैं। जैसा इसकी गाड़ी में आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा सब एरिया रस्ट हो रहा है और नीचे काफ़ी ज़्यादा रस्ट लग जाता है, तो इसके लिए डीजल वॉश एक अच्छा ऑप्शन होता है। ये सॉकर में भी पता नहीं कैसे रस्ट लग रहा है, तो इस पर भी अभी डीजल स्प्रे करके इसको सही किया गया है। तो मॉनसून शुरू होने के पहले और मॉनसून ख़त्म होने के बाद एक डीजल वॉश करा देंगे तो आपकी गाड़ी में रस्ट वगैरह का इतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और बाकी हर्षित भाई ने फिर से बहुत ज़्यादा मेहनत की है चेन को साफ़ करने में और अभी चेन ये काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो चुकी है।
और अब इसको करते हैं ल्यूब, और ल्यूब करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ ये रॉयल एनफील्ड का चेन ल्यूब। और ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मैंने अपने पैसे से ख़रीदा था, काफ़ी टाइम से रखा था, मैं यूज़ नहीं कर रहा था, तो मैंने इसकी गाड़ी के लिए ले आया हूँ, इसकी गाड़ी पे यूज़ करूँगा मैं। बेसिकली ज़्यादातर सर्विस सेंटर पर ही दे देता हूँ, तो वहीं से हो जाती है। और अभी एक राइड प्लान हो रही है जिसके लिए मैंने मोटुल का ख़रीदा है चेन ल्यूब और चेन क्लीनर, क्योंकि वहाँ पे तो अभी ये डीजल से क्लीन नहीं कर पाएंगे, तो अभी इसको ल्यूब करते हैं। ल्यूब कैसे करना है, ल्यूब कैसे करना है वो भी हर्षित भाई बताएंगे। तो हर्षित भाई शुरू करिए। थोड़ी सी दूरी पे आपको चेन से बना करके इसको स्प्रे कर देना है। चेन ल्यूब हो गई है जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा, और अब मेरे ख्याल से चेन इतनी ज़्यादा क्लीन हर्षित भाई ने कर दी है। तो अभी कुछ मेरे ख्याल से एक से डेढ़ महीने तक तो ये चलेगी इसी तरीके से। अगर फिर से गंदी हो जाती है तो फिर से इसको क्लीन करके आप दोबारा से ल्यूब करिए, और कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, अगर आप गाड़ी वॉश करवा रहे तो वॉश कराने के बाद नॉर्मल ल्यूब कर लें, अगर चेन ज़्यादा गंदी नहीं है तो। बार बार हर हफ्ते अगर आप वॉश करते हैं या करवाते हैं बाहर से, तो हर हफ्ते इसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक महीने डेढ़ महीने तक चल जाते हैं नॉर्मल कंडीशंस में। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मे बी नेक्स्ट वीडियो मेरी एक जो राइड होने वाली है मैं उसके बारे में बनाऊँगा कि क्या चीज़ें मैं ले करके जा रहा हूँ। और हो सकता है कि मेरे साथ में ये पीछे ये एक्चुअली मेरे गिटार वाले टीचर थे, इन्होंने हमें गिटार सिखाया पर हम सही से सीख नहीं पाए। और ये पीछे हर्षित, ये लोग भी मेरे साथ मेरी इस ट्रिप पे जा रहे हैं। हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसका चैनल का लिंक मैं ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।